अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मिसेस फरीन डेली व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, या हम भी ठीक हैं। और मैं उठ गई हूँ, सैरी पहना ली है, अब मैं उठाने आई हूँ रेहान को। रेहान बेटा उठ जाओ, उठ गए, अस्सलाम वालेकुम, उठ जाओ, चलो जल्दी से ब्रश कर, चलो अमिया शकील भी यहाँ लेट है। हाँ, अल्लाह पाक का शुक्र है, सब ठीक है। चलो आप उठ जाओ जल्दी से, अब मैं जा रही हूँ सैर वो लेने सालन और रोटी पराठा। अच्छा जी, हाँ, ओ एक चूल्हा था, सालन का मैंने बंद कर दिया, चाय का ये चल रहा है, चाय बन गई है, फेनी तैयार है, सब रेडी है, आटा निकालना है मुझे बस, उसमें भी दूध डालेगा इसके अंदर, सही है, करते हैं इसको सही से। और बस यहाँ चाय बन जाए, चाय उबाल आ जाए, चाय का भी निकालते हैं चाय को। हाँ बेटा, यहाँ आटे को निकाल लेती हूँ मैं। आप आना जाना क्यों कर रही हो, पाँव में दर्द हो रहा है तो वहीं बैठ जाओ ना पापा पास, मैं दस्तरखान लगा रही हूँ, देखो मैं हॉटपॉट लेने आई हूँ, यहाँ से हॉटपॉट लेके जाऊँ, दस्तरखान मैंने लगा दिया है, हॉटपॉट लेने चलते हैं। ठीक है, चलो चलो, देखो अब अजान आ रहे हैं, अजानों की आवाज़ आ रही है वहाँ से, वो मस्जिद से आवाज़ आ रही है। शकिल उठे, शकिल दस्तरखान बिछा हुआ, यहाँ पर उठ जाइए। चलो जी, मैं लगाती हूँ दस्तरखान, उन लोगों को उठाती हूँ। अच्छा भाई, दस्तरखान आ चुका है, आ जाओ भाई, पानी की बोतल ग्लास निकालो। ये पराठा रखने के लिए लाई हूँ, इसलिए कि आप लोग नीचे, आपका हाथ नहीं पड़ता ना रियान का, तो मैंने कहा रियान को इसमें पराठा रख के दे दूँगी, सही है रियान, आपका भी और पापा का भी, दोनों इसी में रख लेंगे दोनों पराठे। आपको इसी से खिलाऊंगी ना, मैं खिलाऊंगी ना आपको, तो आप खुद थोड़ी खाएंगी, सही है। चलें जी, उम्र खाई भी उड़ गई हैं, यहाँ पर हमारी हो गई सैरी शुरू। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सालन बना है तो आप जैम क्यों निकाल कर आ रही हो, जब सालन होता आप जैम खाते हो। चलो जी, गर्म हो गया पराठे बहुत, आपको आपको दवाई पिलाती हूँ, मेरी उम्र खर के वाला टांग में दर्द, तो आलू भी खिलाऊंगी अपनी जान को, मेरी जान, मेरी जान। इससे अभी उम्र खर रहे हैं, जैम इससे निकालूंगी अभी, मैं चमचा साफ करके, रुक जाओ। अच्छा अभी निकालते हैं, सही है, आपको आलू से खिलाऊँ उम्र खर। चलो बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाह, इन्हीं वाला बड़ा है, आपके सामने तो पड़ी थी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह ही वाला बरकत है, अबे मेरे आपके सामने तो पड़ी थी। खाओ रियान, बैठो क्यों, आपको जैम जैम निकाल दूँ, आपको आप तो जैम खाओगे ना, ये सालन खिला दूँ दोनों अपने हाथ से, खाने के बाद मुझे फीका लगेगा ना, हैं फीका लगेगा, खाने के बाद फीका लगेगा ना, मैं जैम। चलिए जी, हम लोग करते हैं सैरी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ ली है और कपड़े चेंज कर लिए हैं, मैं जा रही हूँ मशीन लगाई है कपड़े धोने, कपड़े धोने जा रही हूँ, तो कपड़े गंदे देना हूँ इसलिए मैंने कपड़े चेंज किए, इसलिए वजह से करें कि नमाज के कपड़े हैं, और यहाँ मैंने मशीन लगा ली है, आज मैंने कहा आज लगा लूँ, फिर तो तीन दो तीन रोज़े रहेगा, इससे पहले मुझे और भी काम करने लगे, मशीन लग चुकी है। और यहाँ मैं कर रही हूँ शकील के लिए दूध गर्म, हल्दी वाला दूध मैंने कल भी दिया था, और मैंने कल आज और पी लें एक दफ़ा, और बस गर्म हो गया, ज़्यादा गर्म नहीं कर रही, इनका निकालते हैं हल्दी वाला दूध, इनके लिए निकालते हैं, उसको छान के इनको देना है, और ये पीते हैं तो इनके साथ पीती हैं इनकी शहजादी उमल है। चलें, इनके लिए भर दिया मैंने कप, ये थोड़ा सा इनके लिए भी भर दूँ, दोनों के लिए, इसमें जाएगा दूध में चीनी थोड़ी जाएगी, कम चीनी डाल के देती हूँ शुगर की वजह से। ऊपर ना दूध के ऊपर ना हल्दी का हो जाता, तो इसलिए छानना पड़ता है, पहले मैं इसमें चीनी डाल दूँ, उनका थोड़ा तेज़ मीठा कर दूँ, मीठा पीएंगे। चलो इनको देती हूँ दूध, और मशीन में कपड़े डाले हैं, बस ये राउंड वोट डालना है, वो निकालना है, इतनी देर में मैंने नमाज़ पढ़ी थी, मैं अपना राउंड डाल के गई हूँ, और कपड़े चेंज करके आ गई हूँ कि नमाज के कपड़े उतार दूँ, घर में भी वही चेंज करके पढ़ लूँगी, कल ही मैंने नहा के वो चेंज कर रहे थे कपड़े, इस वजह से चेंज कर रही, और अभी लगाइए, अब लगाऊंगी, ईद के बाद ही लगेगी मशीन। और रियान कर रहे हैं बाबा की सिकाई, इनको मैं बस यार रियान चार बहुत देर से हो कर रही हूँ, कर रहे हो आप, अब तार निकाल दो, बहुत देर हो गई, बस अब लास्ट बार करो, तो एक दो बार करो, एक दो बार करो, जब तक गर्म है ना इसी,
जब तक आप कर लो सही है। हाँ तार का, तार पे इस्त्री मत रखना, गर्म हो जाएगी वरना तार ख़राब हो जाएगा। ये शिकायत करके बस चलो, फिर मैं यहाँ के पर्दा हटाऊँगी, फिर आप लोग आराम से लेट जाना, मैं साफ आए यहाँ का साफ़ कर दूँगी, तो फिर सो जाना आप। अच्छा जी मम्मा यहाँ पे पर्दे उठा कर, क्या मम्मा आप कहाँ पे रखेंगे? हाँ मम्मा यहाँ पे धोएंगी एक कपड़े उतार कर इसके पर्दे के। हाँ अच्छा जी यहाँ पे मेरे कपड़े डन होने वाले हैं, बस थोड़े से कपड़े रह गए हैं, ये पर्दे मैंने डाले हैं धुलवाने के लिए, पर्दे धुल रहे हैं। और यहाँ मैंने बर्तन खाली कर दिए, सारा नवान की पतीलियाँ खाली कर दी हैं, और यहाँ मैंने थोड़े से छोले मैंने रखे हैं कि वैसे तो हम लोग छोले खाते नहीं, मैंने कहा चलो आज रख दे रहे हैं, थोड़े से हैं रखे हुए ख़त्म हो, वैसे रमज़ान एंड चल रहा है, मैंने कहा ये छोले बिल्कुल थोड़े से लेकिन कितने छोटे से तले से लगे हैं थोड़े से। और ठीक है जब तक मेरा ये राउंड चल रहा है मैंने कहा लहसुन अदरक पीस के रखूँ, लाइट वगैरह का पता नहीं होता। और अभी फ़िलहाल जब मैं कल पीस रही थी तो मेरी मशीन का ये पुरानी मशीन है इसका ना मेरे हाथ से ये चटक गया, यहाँ से देखें ये टूट गया है, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से देखें यहाँ से ना ये टूट गया है, इस वजह से मेरे हाथ से मशीन ना ये चल नहीं पा रही है, ये ना चेंज होगा। तो अभी फ़िलहाल मैं इसमें तो लहसुन अदरक नहीं पीस सकती, पर मैं ये पीसूँगी दूसरे में, मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा कौन सा है। यहाँ पे रखा इधर ऊपर के साइड पे ये मेरा डब्बा रखा हुआ है, ये डब्बा निकालूँगी और ये सब सामान हटाना पड़ेगा, ये डब्बा निकालनी पड़ेगी मशीन मुझे, और इसके अंदर मशीन है, और ये मशीन मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ, ये मैं जीत के लाई थी प्रोग्राम में, दूसरा मशीन है जो मैं जीत के लाई थी एक गेम शो में से, जो हमारा यहाँ पे टी वी पे आता है गेम शो, पिछले साल आता था, इस साल तो आ भी नहीं रहा है, उन लोगों के पैसे खा गए उन लोगों ने, नहीं आ रहा क्योंकि मैं ये गेम जीती थी और अपने कैश प्राइज जीती थी 30,000 रुपये, वो मुझे अभी तक नहीं मिले, ये इन्होंने हैंड टू हैंड दे दिया था, जो ये चीज़ें निकल रही थी ना वो हैंड टू हैंड दे रहे थे, जैसे ना बाइक वगैरह और है ना जो कैश प्राइस थे उनको रोका हुआ था कि हम आपको फ़ोन से कॉल करेंगे, आज एक साल हो गया अभी तक उन्होंने कोई कॉल नहीं करी है, और ना ही कोई वहाँ से, मैंने इतना कॉन्टैक्ट किया उनको, इतना कॉन्टैक्ट किया है मत पूछें कितना कॉन्टैक्ट किया, फिर वहाँ से जो है ना कोई कॉल के रिस्पॉन्स नहीं आता था, अब देंगे अब देंगे अब देंगे, अब तो नया पिछला से रमज़ान से ये रमज़ान भी गुजर गया, पर अब वो उन्होंने दे दिया धोखा, वो फ़ोन ही नहीं रिसीव करते, मतलब ऑफ ही जाता है। चलें जी अभी फ़िलहाल मैं करती हूँ लहसुन अदरक पीसती हूँ इस वाले में, क्योंकि ये लहसुन अदरक का ये जूस का और ये मसालों का है, तो हम लहसुन अदरक इसमें पीसेंगे ठीक है। निकालते हैं मशीन को, बिस्मिल्लाह करते हैं, ये रहा इसके अंदर, इसके अंदर मसाले का भी है, इसके अंदर है, निकालते हैं इसको, है ना ख़राब हो जाए, 3-in-1 दिया था उन्होंने गिफ्ट के अंदर। और अगर आप लोगों को मेरा शो देखना है जिसमें मैं जीती थी, पिछले साल का 4th रमज़ान था, पिछला साल का आप रमज़ान का निकालें, खेल की जीत के जे के नाम से था, खेल की जीत और रमज़ान का 4th रमज़ान था जिस पे मैं ये जीत के लाई थी। अच्छा मैं दो उस पे आई थी, 3 दफ़ा उनके शो में जा चुकी हूँ, जिसमें से 4th रमज़ान पे ये मैंने, दूसरे रमज़ान पे मैंने ये जीती, और 4th रमज़ान पे जो थी ना मैंने कैश प्राइस जीता था 4th रमज़ान पे। तो अभी फ़िलहाल मैं करती हूँ लहसुन अदरक पीसती हूँ, टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी काम करते हैं ठीक है। यहाँ पे मैंने मशीन में सब सामान डाल दिया और चला भी दिए थोड़ी, और ये देखिए माशाल्लाह काम कर रही है फिलहाल, अच्छी लगी सब, देखते हैं इनकी गारंटी तो होती नहीं कब तक, इनकी गारंटी वगैरह तो होती नहीं चीज़ों की, कब तक चलेंगी क्या नहीं, बस जब तक चल रही है अल्लाह चला के रखें, नेशनल प्लस लिखा हुआ गैस से यूज़ कर बहुत कम, पर अगर वो मेरा ख़राब नहीं होता ना मशीन तो मेरी सही है, बस ब्लेड का मसला आ रहा है, ब्लेड चेंज हो जाएगा उस वाली मशीन का, बस हो गया ये भी हो गया, देखिए पीस गया लहसुन अदरक तो सही पीस है। चलिए जी अब इसको निकालते हैं, हो गया मेरा काम, यहाँ से निकलना भी शुरू हो गया। अच्छा जी यहाँ पे मेरे कपड़े वगैरह सब धुल चुके हैं, ये देखें आप, ये मैंने कपड़े वगैरह धो लिए, सो के उठ के करूँगी, और यहाँ की सफाई, ये लोग सो रहे हैं चूँकि लहसुन सोते हैं, हाथ रख के दरवाज़ा खुल एकदम से, देखें लग जाए, बस अब ये लोग सो रहे हैं, अब मैं भी थोड़ा आराम करूँगी क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, शहर से जाते जाते आप मुझे टाइम वगैरह देखेंगे, 9:15 हो रहे हैं, बस अब मैं भी थोड़ा आराम करती हूँ। यहाँ पे उम्र का रेडी हो गई है ट्यूशन जाने के लिए, उम्र का गुस्सा क्यों पहन रही हो, उतरता है रास्ते में उतरेगा आपका गुस्सा,
सामने तो फिर उतरेगा तो फिर परेशानी होगी आपको। जाजू, जाजू। लाफी। लाफी। उतर भी जाए तो ऐसे चले जाना बस, अब अटका के चल। टेढ़ा हो रहा है पाँव देखो उतरने से ना उसके गुस्से की वजह से। जाइए जाओ। हम लोग मैंने पढ़ लिया असर की नमाज, बच्चे भी आ गए हैं ट्यूशन से और अब मैं जा रही हूँ असर की नमाज के फ़ौरन बाद। 6 बज चुके हैं, मैं जा रही हूँ किचन में तारी की तैयारी करने रखी हुई। और यहाँ दही मैंने मंगाया बड़ों के लिए और ये एक मिर्च बना रही हूँ क्योंकि एक मिर्च मैं ही खाऊंगी। शकलिन अब आज नहीं होंगे हमारे साथ अवतार में क्योंकि वो अपनी बहन को लेके मार्केट गए हैं। सर यहाँ पे रोज़े का टाइम हो चुका है और ये सब अफ्तारी मेरी तैयार हो चुकी है और यहाँ पे रेहान दुआ मांग रहे हैं और यहाँ उम्र खा बैठी हुई खा रही हैं थोड़ा सा। क्या खा रही हो? आगे आ जाओ, आ गया हो, आ गया हो, मेरे हाथों गंदे हो रहे हैं। इससे ले लो, इसमें से कोई सी भी एक ले लो, सही है। चले जी रोज़ा खोले, अभी शकील है नहीं, शकील गए हुए हैं और बस अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। इस टाइम रोज़े के टाइम पर दुआ मांगनी चाहिए। हाँ चल लाओ। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा तवक्कल तू वाला इसके का अफ्तार तू चुके हैं और अब मैं बना रही हूँ चाय शकील के लिए। अफ्तार कर रहे थे देर में, शकील आ चुके हैं, चाय बनाती हैं, निकालते हैं। कड़क हो गई मुझे लग रहा है चाय बहुत डार्क कलर आ रहा है। यहाँ पे चाय हो गई रेडी, कड़क बन गई चाय ज़बरदस्त। चलिए जी और अब मैं लेके जाती हूँ शकील के लिए चाय। चाय बन गई कड़क दमदार लग रही। अच्छा जी यहाँ मैं तैयार हो गई हूँ अम्मी के घर जाने के लिए। वहाँ से पानी की बोतल अब खुद तो उठा नहीं सकते, वो पानी की बोतल तो अहमद की थोड़ी हेल्प लेंगे वहाँ से। अगर अहमद शकील भर के लिए आएंगे यहाँ से ऊपर उठा कर लेके आना होगा। तो बस यहाँ हम पानी भरेंगे वहाँ से, फिर अहमद अगर अहमद होगा तो अहमद को लेंगे और फिर वहाँ जब मेरा भांजा भी उसकी तबीयत सही नहीं है बच्चे की, उसको भी देखने जाना है। जो मेरी नानी खाला आती है ना, छोटी नानी टू बोलते हैं बच्चे उनके, नवासा उसके नवासा, हाँ अब्दुल्ला उनके नवासे की तबीयत सही नहीं है दरअसल, उसको भी देखने जाना है। उसको भी देखेंगे फिर वहाँ से अम्मी के घर चलते हैं। और शकील जा चुके हैं, बच्चे ये खड़े हैं। चलो भाई चलें, मैं कमरा करती हूँ लॉक। अस्सलामुअलैकुम, कैसे तबीयत है आपकी? तबीयत कैसी है? हैं ये लो चीज़, यानी चीज़ लाई हूँ मैं, लो हाथ में पकड़ो, मम्मा को दो, ये लो मैं इसकी चीज़ लो। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा सोलर चल रहा है उस कमरे का, पंखा चल रहा हो? हाँ जो कैसी तबीयत है, क्या हो गया इनको? बस बैठे बिठाए एकदम अचानक। अब्दुल्ला अब्दुल्ला दे देखना, देखेगा ये अब्दुल्ला। अब्दुल्ला तबीयत कैसी है आपकी? हैं मम्मा को अपनी खींच रहा बाहर ले जाने के लिए, वो भी जाएगा, वो आपको चप्पल पहन दे। हाँ वो चप्पल देख के आपकी बाहर जाने की कर रहा है। बाबा के साथ जाना, बाबा के साथ बाइक पर जाना, सही है, बाबा के साथ जाना बाइक पर। अब समझ में आया शायद, वहाँ जा रहे हैं। अच्छा जी यहाँ पे हम पहुँच गए अम्मी के घर पे। नहीं चलो जी घर आ गए, लाइट गई भी। अच्छा सही है, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी हम लोग आ चुके हैं घर और वापसी में हम लोगों ने पानी भी भर लिया है। पानी भर के अभी शकील लेके आए, शकील ही उठा के लाए, मजबूरी क्या करें उठाना, वहाँ गए थे अहमद नहीं था घर पे। अच्छा अब भाई से बस। अच्छा जी यहाँ पे हो गई है, मतलब अब हम लोग आए हैं अभी और टाइम इतना हो गया, अभी तकरीबन 1:30 बज गए हैं। अम्मी के घर से आए पानी भर के आती है। अब शकील लेट चुके हैं, देखें शकील लेट चुके हैं आराम करने। और बस अभी मैं थोड़ी देर तीन बजे तक तो पहुँचती हूँ शहरी के लिए, तो बस अभी थोड़ी देर आराम करूँगी। लाइट आने वाली है, लाइट आएगी लाइट आने के बाद बस प्लीज़ मेरा चैनल नेक्स्ट वीडियो शहरी से स्टार्ट हो जाएगा। और
मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फैमिली फ्रेंड्स नंबर पर आज से फिर इतना ही, जिंदगी जिंदगी तो कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।